इमरजेंसी के लिए हाकिम बिजनौर में 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मचारियों ने ओपीडी बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल का सभी स्टाफ अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहा है। ओपीडी बंद होने से मरीजों का हाल बेहाल है। सैकड़ों मरीज इलाज न मिलने से परेशान हैं। कई मरीजों को इलाज न मिलने से वह अस्पताल परिसर में ही बनी बेंच पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के मेडिकल अस्पताल में सभी डॉक्टर व कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज होकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अस्पताल की ओपीडी बंद कर हड़ताल पर सभी स्टाफ के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी कर वेतन दिलाए जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से मरीजों का हाल बेहाल है। इस समय डेंगू मलेरिया और बुखार के मरीजों की संख्या अधिक है। इलाज न मिलने से मरीज परेशान है। मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते शासन के निर्देश पर 1 अप्रैल 2023 से बिजनौर जिला अस्पताल के भवन मशीनरी एवं कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया है तब से उन्हें वेतन मिलने में परेशानी हो रही है। पिछले 1 महीने से लगातार मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल CMS व अन्य अफसरों को वेतन दिलाए जाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि किसी को मकान की किस्त देनी है तो किसी को गाड़ी की EMI तो किसी को बच्चों की फीस जमा करनी है। वेतन नहीं मिलने से उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी आला अधिकारियों ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। हम अस्पताल में आए थे इलाज कराने, अपना ENT में नाक गला विभाग में, गले में मेरे पे प्रॉब्लम है, गले में सांस में परेशानी है थोड़ी सी, और जी रेसे हैं, पर गले की प्रॉब्लम है सांस की। कब से हो यहाँ पर, कब से आए? हम यहाँ सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। कितने बजे आ गए थे? सुबह 7 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सब हॉस्पिटल बंद है और सारे कर्मचारी अपना छुट्टी पे नहीं, हड़ताल पे हैं। उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि उनकी सैलरी जल्द से जल्द दिलवाई जाए और वे अपने काम पे, या कोई कर्मचारी DM हो, SDM हो, जिले का कोई बड़ा अधिकारी आए और उनकी बात सुने और उन्हें आश्वासन दे कि उनका वेतन कब तक मिल जाएगा, या हॉस्पिटल के CMS लेडी CMS पुरुष CMS कोई सा भी अधिकारी आए और उनका 20 तो आए, सुबह से कोई नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप धरने पर बैठे हैं, क्या है मामला? आज हम यहाँ धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे जितने भी जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय के अधिकारी और कर्मचारियों को अप्रैल से मेडिकल कॉलेज महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज में संबद्ध कर दिया गया है। जब से हमें मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया गया है तब से हमें वेतन की परेशानियां ही परेशानियां पैदा हो रही हैं, और विगत 3 माह से हमें वेतन नहीं दिया गया है। आज 4th माह की 5 तारीख हो गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं, परिवार का पालन पोषण करने में बहुत परेशानी आ रही है। बीमारी का समय है, रात रात 18-18 घंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथी बीमार हैं, उनकी ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। जनता की परेशानी को देखते हुए हम किसी को परेशान कतई नहीं चाहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी हो गई है कि हमारी बात कोई सुने। आज सुबह 8 बजे से हम बैठे हैं और लगभग हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी आकर ये नहीं बता देता कि आपका जो है वेतन फला तारीख को मिल जाएगा। हम तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा वेतन हमें समय से दिलाया जाए, 3 माह का वेतन एक साथ दिलाया जाए और आगे भी हमारा नियमित वेतन दिलाया जाए। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।